हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की होने वाली स्टेट काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके 15% जो सीट है उनके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग, और साथ ही साथ स्टेट काउंसलिंग जो 85% सीट है उनके लिए। तो जो डेट है वो ऑफिशियल साइट के ऊपर आ गए हैं, वही इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15% ऑल इंडिया सीट के लिए। ठीक है, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी कॉलेज उनके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है, ठीक है, वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो 7/10/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 8/10/2024 तक रहेगा। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है अगर कुछ गलत कर दिए, ठीक है, तो उसको एडिट करने की जो फैसिलिटी है वो भी सेम ही डेट तक ही रहेगी। इसके अलावा रिक्त जो सीट है उसकी स्थिति यानी कि सीट मैट्रिक्स जो है वो आपको 9/10/2024 को देखने को मिलेगा। मैरिड जो सूची है वो आपको उसी दिन ही देखने को मिलेगा जिस दिन सीट मैट्रिक्स आएगा। इसके अलावा चॉइस लॉकिंग जो है उसकी प्राथमिकता वगैरह, चॉइस लॉकिंग वगैरह का जो समय है वो 10/10/2024 से लेकर के 12/10/2024 तक रहेगा। फिर चॉइस जो लॉकिंग है, ठीक है, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग के बाद में एडिट करने की जो सुविधा है वो भी रहेगी सेम ही टाइम तक। फिर जो अलॉटमेंट है, सीट अलॉटमेंट है, वो 15/10/2024 को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल में रिपोर्टिंग कर अभिलिखित सत्यापन उपरांत औपचारिक पूर्णता का अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि। मतलब ये है कि आपको ऑफलाइन जाना है कहाँ, पंडित खुशीलाल शर्मा में, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह होगा। ठीक है, फिर आपको जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाना है तो वेरिफिकेशन जो है वो 15/10/2024 से लेकर के 16/10/2024 तक होगा। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों का वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं रहा, ठीक है, तो उनके लिए एडमिशन जो निरस्त है वो कब होगा? तो उसी डेट में ही आपका वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त हो जाएगा। तो ये फर्स्ट राउंड के हैं। फिर सेकेंड राउंड का जो डेट है, तो सेकेंड राउंड के लिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16/10/2024 से लेकर के 17/10/2024 तक है। ठीक है, फैसिलिटी एडिटिंग वगैरह का आपको रजिस्ट्रेशन को सेम ही डेट है। सीट मैट्रिक्स आपको 18/10/2024 को देखने को मिलेगा। मैरिट जो सूची है वो भी 18/10/2024 को देखने को मिलेगा। चॉइस फिलिंग 19/10/2024 से लेकर के 20/10/2024 तक आप कर सकते हो। ठीक है, सीट का अलॉटमेंट 23/10/2024 को देखने को मिलेगा, और जो रिपोर्टिंग है, ठीक है, जाकर के डॉक्यूमेंट का सत्यापन, वो 24/10/2024 से लेकर के 25/10/2024 तक आप जो है उसको कर सकते हो। ठीक है, प्रवेश निरस्तीकरण जो है वो आपको उसी डेट में होगा। तो ये आपके काउंसलिंग जो डेट है इंपॉर्टेंट वो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका किसका, 15% सीट के लिए। बात करते हैं आगे का, ठीक है, जो स्टेट है, ठीक है, उसके लिए। तो स्टेट के लिए जो आपका काउंसलिंग का जो डेट है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो जो मध्य प्रदेश के प्रवेश के लिए जो शासकीय निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए स्टेट काउंसलिंग का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसमें आपका अपन बात करें तो 11/10/2024 यानी कि जिनके पास क्या है, डोमिसाइल है, ठीक है, तो उन लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 11/10/2024 से लेकर के 14/10/2024 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को एडिट करने की जो फैसिलिटी है वो 11/10/2024 से लेकर के 15/10/2024 तक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अभिलेखन सत्यापन, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का जो है आपका अभिलेखन जो सत्यापन है वो 13/10/2024 से लेकर के 15/10/2024 तक होगा। सीट मैट्रिक्स 14 को आएगा, ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट है वो 16/10/2024 को आएगा। च्वाइस फिलिंग 17/10/2024 से लेकर के 20/10/2024 तक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा चॉइस को एडिट करने का जो डेट है वो भी सेम ही है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट 24/10/2024 को आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपको औपचारिकता है, ठीक है, विद्यालय में जो आपको सीट अलॉट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में, वहाँ एडमिशन लेने का जो डेट है वो 25/10/2024 से लेकर के 28/10/2024 रहेगा। प्रवेश का निरस्तीकरण जो है वो आपका 25/10/2024 से लेकर के 28/10/2024 को रहेगा। तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है, ठीक है, उसके विषय में बात करें तो उसका जो डेट है वो 25/10/2024 से लेकर के 27/10/2024 तक जो है आप क्या करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है
उसके बाद में एडिटिंग वगैरह की सुविधा भी वही टाइम तक रहेगी, ठीक है। इसके बाद में बात करें जो सत्यापन है वो आपका 26/10/2024 से लेकर के 28/10/2024 तक होगा। फिर सीट जो है, जो सीट है, सीट मैट्रिक्स है, 29/10/2024 को देखने को मिलेगा, और मेरिट जो सूची है वो भी उसी दिन देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट जो है, अगर बात करें चॉइस लॉकिंग वगैरह जो है, वो 30/10/2024 से लेकर के 3/11/2024 तक देखने को मिलेगा, ठीक है, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग वगैरह। इसके बाद में आपका जो आगे का डेट है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट जो है वो 30/7/11/2024 को देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो महाविद्यालय है वहाँ प्रवेश करने का जो डेट है वो उसके अगले दिन से, यानी कि 8/11/2024 से लेकर के 11/11/2024 तक रहेगा। प्रवेश निरस्तीकरण जो डेट है वो उसी वही डेट रहेगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो। फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग का भी डेट है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी उक्त ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल साइट का भी डेट है, iusmp.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पर से आप जो है डाउनलोड करके जो फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है एमपी की काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग जो प्राइवेट कॉलेज के लिए होगा उसका डेट आ गया है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स भरना चाहते हो वो भर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।